सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं मैं आपको अपडेट दूंगा। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी हैं, इतनी सारी वैकेंसीज कि दोस्तों वीडियो कम से कम 10 मिनट से ज्यादा का होगा, ध्यान से देखते रहिएगा। तो बिना टाइम गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों ये जो वैकेंसी है जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं ये है वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज। गोवा में ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होंगे जो कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों बहुत से सारे पोजीशंस के लिए है। सबसे पहला है ड्यूटी मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, सुपरवाइजर रैंप मेंटेनेंस, जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर सुपरवाइजर रैंप मेंटेनेंस, सीनियर कस्टमर। और दोस्तों बिल्कुल नीचे नीचे करते आऊंगा, मैं जानबूझकर कट मार रहा हूं, बहुत लंबी वैकेंसी है आप देख सकते हैं। सबसे जो काम की वैकेंसी दोस्तों वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन जो बेस्ट पार्ट इस वैकेंसी का आता है वो ये हैंडीमैन, हैंडी वुमेन, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप एजेंट, 10th बेसिस पे आपको ये वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, ये जो वैकेंसी है इसके लिए तो एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ जॉब पाने के लिए आप कहीं भी जाएं आपको रिज्यूम की जरूरत पड़ती है, तो आपको फ्री में रिज्यूम मिल सकता है। करना बस आपको इतना है कि वीडियो में कहीं ना कहीं आपको एक कोड दिखेगा, उस कोड को सबसे पहले जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा उसे फ्री में रिज्यूम मिलेगा। और उसके बाद अगर कोई बनवाना चाहता है तो 169 रुपीस में आप इस वाले व्हाट्सएप नंबर से रिज्यूम बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट ये जो वैकेंसी है एआईएसएल की, इसके रिगार्ड में। दोस्तों नोटिफिकेशन काफी लंबा है, मैं उतना नहीं जाऊंगा, जो मेन पॉइंट्स है उसको लेते हुए मैं आगे यहाँ पर बढ़ूंगा। सबसे पहले एक बात समझने की है दोस्तों, ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है। कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट भी देना पड़ सकता है, लेकिन वो सिलेक्शन के बाद, उसके पहले कुछ नहीं लगेगा। उसके पहले केवल 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, जो कि एक तरह से एग्जामिनेशन फी कह सकते हैं, और वो भी डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में लगेगा। इसके अलावा आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है, लेकिन काम बढ़िया होता है। तो यहाँ पर जो कोई भी 3 साल टिक जाता है अच्छी तरीके से, तो दोस्तों यहाँ इस कंपनी की बात छोड़िए, उसे आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, तो इसकी चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें दोस्तों दी गई हैं, आप इसको पढ़िएगा समझिएगा। ये सारी बातें इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, अगर आप इसको पढ़ के तैयारी कर लेते हैं तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल फ्लाई एकेडमी पे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। जो पहली वैकेंसी है ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर्स की, बताने की जरूरत नहीं है, इस पोजीशन के लिए जो भी अप्लाई कर रहा है उसे सब कुछ पता है, क्या पोजीशन है, क्या है, कैसे करना है, लेकिन हाँ दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस वैकेंसी के आप होने चाहिए ग्रेजुएट, 16 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, सैलरी आपको यहाँ पर 45,000। एक बात कहना चाहूंगा, एविएशन सेक्टर में सैलरी बहुत कम मिलती है। ड्यूटी मैनेजर जो बंदा बनेगा उसकी ऐसी तैसी हो जाती है, कहने को 8 या 10 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन बंदा वो घर जाने के बाद भी एयरपोर्ट को ही लेकर दिमाग में घूमते रहता है। खैर जॉब तो जॉब है। यहाँ पर एज है मैक्सिमम 55, यानी कि 55 साल की अवस्था में आपको 45,000 की सैलरी मिल सकती है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। दोस्तों जो दूसरी वैकेंसी है दोस्तों वो है ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर्स की। यहाँ भी आपको 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, और यहाँ पर सैलरी आपको 32,000 प्लस, यहाँ तो ओवर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाए तो दैट्स गुड, अच्छी बात है। 50 के एज तक आप यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। जो तीसरी वैकेंसी है दोस्तों ये है सुपरवाइजर रैंप एंड मेंटेनेंस की। ये यहाँ पर आप होने चाहिए ग्रेजुएट, 11 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो जो पहले सैलरी थी एग्जैक्टली वही है, 32,200। एज आपको यहाँ पर दिया गया है 50 ईयर्स, यानी कि 50 साल। फोर्थ वैकेंसी है दोस्तों ये है जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज। आप होने चाहिए ग्रेजुएट, 10+2+3 के पैटर्न में, और 9 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको मिलेगी लगभग 30,000 के आसपास। एज यहाँ पर देखिए जनरल 37, ओबीसी को आपको यहाँ पर 3 साल का छूट मिल जाएगा, यानी कि 40 साल, और उसके बाद 5 साल, यानी कि 37+5 42। जो लोग SC/ST कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बातें हैं दोस्तों ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आप देख पा रहे हैं जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, यहाँ पर आप फुल टाइम बैचलर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए ये वैकेंसी आपको जनरली कह सकते हैं, और आपके पास LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है। यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 12 महीने के अंदर आपको HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस बनवा लेना होगा। रिमेनिंग डिटेल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। सैलरी आपको यहाँ पर लगभग 30,000 के आसपास मिलती है। बात करें एज की तो जनरल 28, 28 साल, ओबीसी 31 और SC/ST कैंडिडेट यहाँ पर 33-35 साल की एज तक अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप में से वो लोग जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए है। 30,000 से स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है, बाद में कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो छोड़ के भाग जाइएगा। जो अगली वैकेंसी है दोस्तों, वैकेंसी नंबर 6, ये है जूनियर सुपरवाइजर रैंप मेंटेनेंस। यहाँ पर दोस्तों 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ग्रेजुएट नहीं है तो आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद 7 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस। यहाँ भी उतना मैं डीप में नहीं जाऊंगा, डिटेल्स आप देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। जो अगली वैकेंसी आ रही है दोस्तों, ये है सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। ग्रेजुएट आप होने चाहिए 10+2+3 पैटर्न में, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 26,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी और एज यहाँ पर जनरल के लिए 33 यानी कि 33 साल। जो ओबीसी होंगे उनके लिए 3+3 यानी कितना होगा, 36 ईयर्स। और जो SC/ST कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल प्लस ज्यादा मिलेगा यानी कि 41 ईयर्स, 41 साल तक आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और अब आती है दोस्तों वो वैकेंसी जिसका इंतजार आप सभी को था और मुझे भी बताने में यहाँ पर मजा आएगा, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की ये वैकेंसी है। अब आराम से बात करता हूँ। 10+2 आप होने चाहिए 12वीं पास, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से। इस वैकेंसी के लिए फ्रेशर्स लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें अप्लाई जरूर करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास एयरलाइन में इतने सारी जगह में कहीं भी एक्सपीरियंस है एयरलाइन का, तो आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और इंग्लिश हिंदी में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको यहाँ पर 21 दिया गया है, लेकिन इस लेवल पे आकर आपको ओवर टाइम भी मिलने लगता है। बात करें एज की दोस्तों, तो एज यहाँ पर जनरल 28 28 साल, ओबीसी 31 31 और SC/ST कैंडिडेट 33 साल 33 के एज तक यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर से वैकेंसी आती है सीनियर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में। आपको ITI डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की यहाँ पर जरूरत। बात करें यहाँ पर सैलरी की दोस्तों, तो देख पा रहे हैं सैलरी आपको यहाँ पर 26,000 के आसपास मिलेगी। बात करें एज की दोस्तों, तो जनरल 32-32 और उसके बाद ओबीसी 3 साल की छूट और SC/ST 5 साल की छूट आपको यहाँ पर मिलेगी, यानी कि 37 के एज तक आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और दोस्तों अब आते हैं द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, सबसे ज्यादा इंतजार वाली वैकेंसी के बारे में, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। दोस्तों जैसा कि नाम से क्लियर है, आप रैंप ड्राइवर हैं, तो ड्राइविंग कब आप कर सकते हैं, जब आपके पास लाइसेंस हो। तो यहाँ पर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट, यानी कि जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, उस वक्त तक आपके पास ये लाइसेंस होना जरूरी है। आपकी क्वालिफिकेशन SSC या फिर 10th पास होनी चाहिए। सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी लगभग 21-21,500 के आसपास। और बात करें एज की, तो जनरल 28-28 साल, ओबीसी 31 और SC/ST कैंडिडेट 33-33 के एज तक यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी अप्लाई तो नहीं करना है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि इसके लिए एलिजिबल है। और अब बात करते हैं सबसे आखिरी वैकेंसी, जो कि है हैंडीमैन और हैंडी वुमेन, यानी महिला और पुरुष दोनों लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन में आप होने चाहिए SSC या फिर 10th पास, इंग्लिश आप लोकल लैंग्वेज समझ सके। अब आप बात करें अगर सैलरी की, तो सैलरी आपकी होगी यहाँ पर लगभग 19,000 के आसपास। और एज की बात करें, तो जनरल आपको यहाँ पर 28, ओबीसी 31 और SC/ST कैंडिडेट 33 के एज तक यहाँ पर एलिजिबल हैं, अपीयर हो सकते हैं। तो अब बात आती है सबसे जरूरी बात, अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है। यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, फटाफट आपके कंफ्यूजन डाउट को क्लियर करता हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे हैं हाउ टू अप्लाई में क्या दिया है, ये एक वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि आपको कहीं कुछ भेजना नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। वॉक इन इंटरव्यू सीधी भर्ती है, आपको डायरेक्ट चले जाना है। कहाँ पे, वीडियो में आपको आगे बताता हूँ, एड्रेस, डेट, टाइम, प्लेस, सब कुछ। तो यहाँ पर जाने से पहले कुछ चीजें आपको कर लेनी है। सबसे पहली बात, 500 रुपए का आपको डिमांड ड्राफ्ट बना लेना है, जो कि रहेगा इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, पेएबल एट मुंबई। इसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे किसको, बैंक में जाकर, तो वो लोग आपको बना देंगे। मेरा नोटिफिकेशन है, इसको मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल फ्लाई एकेडमी पे जाकर, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। है कि ये जो 500 रुपए का अमाउंट आप देख पा रहे हैं फी, ये SC/ST या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए लागू नहीं होता है। और दूसरी बात, डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि अगर वो डिमांड ड्राफ्ट हट गया आपके फॉर्म से, तब भी उसको पहचाना जा सके। तो बात आती है फॉर्म की, तो दोस्तों यहाँ वीडियो में थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये है वो फॉर्म जिसका कि आपको प्रिंट आउट ले लेना है कंप्यूटर वाले के यहाँ से, यानी कि साइबर कैफे से जाकर आपने ले लिया प्रिंट आउट। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो वाला पार्ट है ऊपर फॉर ऑफिशियल यूजर ओनली, इसको छोड़ देना है। नीचे आइए, नीचे आने के बाद पोजीशन अप्लाइड फॉर, कौन से पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। यहाँ पर अपना एक फोटो चिपका दीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे का पार्ट बहुत ही सिंपल है, आप देख पा रहे हैं अपना नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ आपका जन्म हुआ था, आपका जो एड्रेस क्या है वो फिलअप कर लीजिए। आप शादीशुदा हैं, मैरिड, अनमैरिड, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर हुआ नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा, रिलीजन क्या है, मदर टंग हिंदी है या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है वो डाल दीजिए। पैन नंबर डाल दीजिए, आधार नंबर डाल दीजिए। आप SC ST कैंडिडेट हैं, OBC क्या है वो यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। और उसके सपोर्ट में आपको सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है वो आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, आप उसका प्रिंट ले लीजिएगा। आपको जो भी पेज प्रिंट करना होगा, जो भी आपके एजुकेशनल डिटेल्स हैं, आप उसको सही तरीके से फिलअप कर दीजिए, भर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक बता दे रहा हूँ, 10th है तो 10th में आपके बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था, कब आप पास हुए, ड्यूरेशन था कितना, 2 साल 3 साल क्या है, परसेंटेज कितना, डिवीजन है वो बता दीजिए। ऐसे कर कर पूरा इसको फिलअप कर दीजिए। इसके बाद आप आइए नीचे लैंग्वेज वाले पार्ट में। लैंग्वेज में 3-4 दिया हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, लोकल या फिर इसके अलावा स्पेसिफाई। तो मान लीजिए हम बात करते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी की बात करते हैं, जो B पॉइंट है उसको। हिंदी आप पढ़ सकते हैं, टिक मार दीजिए। स्पीक बोल सकते हैं, टिक मार दीजिए। लिख सकते हैं, टिक मार दीजिए। रिमार्क्स जो भी हो। इंग्लिश है, मान लीजिए आप बोल नहीं सकते तो कट मार दीजिएगा, यानी कि जो आप कर सकते हैं उसे टिक मार दीजिएगा, जो नहीं कर सकते उसे कट मार दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आकर आपको साइन कर देना है, प्लेस, डेट और आपका सिग्नेचर कर दीजिएगा। फॉर्म आपका होगा यहाँ पर पूरा। इसके बाद दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी कर लेना है। क्या होगा, एप्लीकेशन फी, वेदर एप्लीकेबल, स्कूल लिविंग, 10th 12th, आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस है, ITI डिप्लोमा है, BE है, MBA है, जो कुछ भी आपके पास है उन सब की जीरोस कॉपी आप साथ में ले लीजिएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ दोस्तों आप साथ में यहाँ पर ले लीजिएगा। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी आप उसको ले लीजिएगा। ये दोस्तों देख पा रहे हैं OBC सर्टिफिकेट। ऐसा ही अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो इसका प्रिंट ले लीजिए, इसको फिलअप करके आप सर्टिफाई करा लीजिए। दोस्तों इतना कुछ करने के बाद नीचे बहुत कुछ है, मैं इसका कॉपी डाल दूंगा आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर। ये सब कुछ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको डिटेल्स दिया गया है। डिटेल्स क्या है यहाँ पर अभी आप आकर देखिए, 1 से 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जो आपको इंटरव्यू कंडक्ट होगा दोस्तों वो आप देख पा रहे हैं। ये 24 और 25 अक्टूबर को सुबह 9:30 से लेकर 12:30 तक ये इंटरव्यू कंडक्ट होगा। एड्रेस जो देख पा रहे हैं दोस्तों ये एड्रेस है, ये आपको एड्रेस है। वही बात करें दोस्तों तो 10, 11, 12 उसका जो इंटरव्यू होगा वो 26, 27, 28 यानी कि 26, 27 एंड 28 ऑफ अक्टूबर को इस वाले एड्रेस पे होगा। टाइम देख पा रहे हैं 9:30 to 12:30। ये पार्ट कौन सा है, यानी कि कौन सा है दोस्तों, सीनियर रैंप एग्जीक्यूटिव, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, हैंडीमैन और हैंडी वुमेन, इन सब का जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो आप देख पा रहे हैं। ये 26, 27 और 28 अक्टूबर को होगा। एड्रेस आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो के बीच में एक कोड आया होगा, आप उस कोड को कमेंट करेंगे, सबसे पहले जो करेगा उसे फ्री में रिज्यूम मिल जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ से 169 में आपको रिज्यूम मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के नाम पर फ्रॉड बहुत होता है, बच कर रहें। और तीसरी सबसे खास बात, इस वीडियो के बाद मुंबई में जो वैकेंसी आ रखी है उसका मैं अपडेट लेकर आऊंगा, सबको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं उनको जानने के लिए नीचे या फिर ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।